आते हैं हम लोग मुद्दे पे, फ्रेश पीस कार भैया और फ्रेश रेट, और जरूर बताया कि ईयर एंडिंग सेल कह लीजिए, ईयर बिगनिंग धमाका कह लीजिए, रेट मिलने वाला है एकमात्र 4 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 2,95,000 रुपए। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं रेट कंपेयर कर सकते हैं। जिन भाइयों को भाड़े में चलाने के लिए लेना है ना, आंख बंद करके लेके जाइए भाई, 7 सीटर कार आपको कहां ही मिलेगी आपको इस रेट में। मतलब यू हैव टू जस्ट पे 1,75,000 और 2 लाख रुपीज एंड वी विल डिलीवर दिस कार। यौन में भी आज आपको दिखाएंगे भैया यूनिक चीज, और वो है सनरूफ। यौन में सनरूफ दिखाने वाले हैं भैया। नेक्स्ट, अब लास्ट वीडियो में एक बहुत बड़ी वो रह गई थी कि भाई हुंडई की आई10 और यौन को आप भूल गए हो, लेकिन नहीं, माफी चाहूंगा, इस वीडियो में आपके लिए ट्रिपल यौन एक साथ दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रोमिंग गाइड यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, और आज वीडियो ऐसी आई है कि जिन भाइयों को अगर कार लेनी थी और अगर ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो 2023 आप लोगों के लिए आने वाला है ना, उसमें आप एक अच्छी कार लेकर मतलब 2022 से 23 में जाएंगे। क्योंकि भाई 7 सीटर भी आज ऊंचा मॉडल 13-14 और हम लोग 12 मॉडल की बात नहीं करेंगे, ऊंचा मॉडल 7 सीटर महिंद्रा की मैं आपको 3 लाख के भीतर आज की इस वीडियो में दिलाऊंगा, और कहने को नहीं वाकई में आपको देखने को मिलेगा। लोन अमाउंट नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट में बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे वैगन आर, टियागो, और भाई जो कंप्लेन रहती थी आप लोगों की कि भैया एचएन, अच्छा मैं बता दूँ एचएन ऑटोमोबाइल की वीडियो है, और आप लोगों की कंप्लेन रहती थी भैया न्यू स्विफ्ट डिज़ायर आपने नहीं दिखाया है, तो आप मेरे पीछे देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BR02 गया नंबर, यहाँ पे डिजायर लगी हुई है न्यू शेप में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पुलिस प्रोफाइल की गाड़ी है, अच्छा एक अधिकारी की गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके साथ में भाई राइवलरी जो इनकी चलती है, होंडा अमेज भी आपको देखने को मिलेगी, और ये 7 सीटर कार जो आप देख रहे हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। इसके बाजू में भी एक कार है, उसके पीछे भी कुछ गाड़ियां हैं, मतलब गाड़ियां आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अरेंज की गई है कि भाई हैप्पी न्यू ईयर वाकई में फील होना चाहिए कि हैप्पी न्यू ईयर था, मतलब हैप्पी था न्यू ईयर था। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एचएन ऑटोमोबाइल का स्टॉक एम्स से हम लोग दिखा रहे हैं पटना से। उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा यहां के ओनर हर्ष भाई से, तो हर्ष भाई से चलिए पहले मिलते हैं हम लोग और पूरी डिटेल लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लिए इंतजाम की गई है, ताकि जो 2023 आप लोगों के लिए आने वाला है वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही कमाल का गुजरे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट, सबसे पहले मैं आपको मिलवा देता हूं यहां पे हर्ष भाई से। तो हर्ष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। थोड़ा सा ज़रूर विलंब हुआ है वीडियो आने का एचएन ऑटोमोबाइल्स एम्स वाले स्टॉक का, लेकिन ज़रूर बताऊंगा कि देर से ही लेकिन दुरुस्त आए हैं। देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और 2023 की खुशहाली अभी से ही लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा भैया, और लोगों को पता है 3 चीज़ के लिए ही लोग एचएन ऑटोमोबाइल्स प्रेफर करते हैं, और मतलब बहुत इस चीज़ की खुशी है ना कि मतलब जो लोगों को पता है कि भाई एचएन ऑटोमोबाइल्स क्या डील करती है, वो लोग 3 महीने हो 4 महीने वेट कर लेते हैं, लेकिन गाड़ी फाइनली हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। और ये भी लाइव एग्जांपल है कि मतलब 2 या 3 दिनों पहले हम लोगों ने एक कस्टमर को डील किया गाड़ी, वो 4 या 5 महीने पहले भी विजिट किए थे, वो कस्टमर सहरसा के थे, और उन्हें बताया कि भाई वीडियो देखने के बाद लगता था कि गाड़ी जब भी लूंगा तो आपके पास, उनके पास लास्ट टाइम कुछ बजट का इशू था, बट इस टाइम उन्होंने गाड़ी ली और कहा कि भाई मेरे को पता था कि गाड़ी जब भी लेंगे तो एचएन ऑटोमोबाइल से लेंगे। क्या बात है, क्योंकि उनको पता है कि जेन्युइन गाड़ी, जेन्युइन प्राइस और बेस्ट से बेस्ट डील जो हो सकता है वो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर। बहुत बढ़िया, तो भाई इसी के साथ में इसी भरोसे को आगे ले जाने के लिए आज वापस से कुछ स्टॉक दिखाएंगे, ताकि जिन भाइयों को लेनी हो कार वो इस वाले जो न्यू ईयर हम लोग अभी छूने वाले हैं, न्यू ईयर आने वाली है, उसमें आप खरीद सके। तो आज भैया क्या कुछ हम लोग दिखाने वाले, वो अंकित जी एक चीज आज बता दूंगा कि भैया आज अपने पास अगर आप स्टार्ट करते हैं ब्रांड में, होंडा से लेके मतलब महिंद्रा टाटा जितनी भी ब्रांड है, अपनी होंडा हुंडई मारुति टाटा आपकी मतलब हुंडई होंडा जो भी ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियां अभी लोकल लोग प्रेफर करते हैं, उन सारी ब्रांड की गाड़ियां आज आपको वन स्टॉप एचएन ऑटोमोबाइल्स में मिलेगी। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं मिलेंगी, आज जो आपको रेट मिलने वाला है वो मतलब रियली सरप्राइजिंग मिलने वाला है। और आपको पता है कि अपना एकमात्र मोटो है
पहले देखो और पहले लूट के ले जाओ। तो भाई फिर बता रहे हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक मिस मत करिएगा, बस 10-15 मिनट समय निकाल के इत्मीनान से देख लीजिए वीडियो को। जरूर बता रहा हूँ, अगर आपकी ये चॉइस थी कि भाई न्यू ईयर में पूरे फैमिली के साथ कार से घूमेंगे, तो मैं बता रहा हूँ एच एन ऑटोमोबाइल्स आपको एक अच्छी गाड़ी अच्छे प्राइस में देगी और साथ ही साथ लगभग गाड़ियों पे आपको फाइनेंस की फैसिलिटी भी देगी। फाइनेंस की भी देंगे फैसिलिटी भाई, क्योंकि अब ऑलमोस्ट अब यहाँ से भी भाई कम से कम 60-70% गाड़ियाँ फिनांस पे लोग खरीद रहे हैं, वो भी लोन कराकर गाड़ी ले जा रहे हैं। तो उस क्रम में पहली गाड़ी जो हम लोग दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं होंडा की अमेज। होंडा की अमेज डीजल वेरियंट पे, आईडी टेक डीजल वेरियंट पे गाड़ी आती है। और आपको बता दूं भैया, होंडा की गाड़ियाँ डीजल में क्या माइलेज देती है ये अपने प्यारे कस्टमर को पता है, लेकिन मैं बता दूँ लीज की ये गाड़ी माइलेज भी देगी, तो 20 की माइलेज देने वाली है। बहुत बढ़िया। होंडा की अमेज 2016 की रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ओनरशिप पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अगर ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है तो पेपर ट्रांसफर में क्या इजी प्रोसेस है, कन्वीनियंट है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। जो चार्जेस है वो हम लेते हैं, लेकिन हम ट्रांसफर करा के आपको देंगे गाड़ी। बहुत बढ़िया। गाड़ी 2016 की है, ओनरशिप फिर से बता दूं, फर्स्ट ओनर है, चली हुई है गाड़ी 46,000 किलोमीटर डीजल में। ये डीजल वेरिएंट में गाड़ी है, गाड़ी के साथ चारों टायर नया मिल रहा है आपको, और इस गाड़ी का बैटरी भी आपको 1 साल वारंटी के साथ नया मिलने वाला है। ठीक है, तो नई बैटरी आपको खैर मिलेगी ही भाई, और साथ ही साथ में आप गाड़ी को भाई वापस से ब्रीफ करते हुए अगर आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे BR06 है अपना, मुजफ्फरपुर जिला का नंबर है। साथ ही साथ आप टायर की कंडीशन देख पा रहे होंगे भाई, व्हील कैप आपको लगा हुआ मिल रहा है, मतलब एक्सेसरीज अगर आपको चाहिए कोई सी भी की भाई, ऐसा ना हो कि कोई एक्सेसरीज ना हो, तो भाई सारी एक्सेसरीज आप देखेंगे वो सारी कंप्लीट मिलती है। गाड़ी कैसी है कैसी नहीं वो अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूं। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, चारों पार विंडो आपको देखने को मिल जाता है, बीच में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलती है। सीट वगैरह की कंडीशन अगर आप देखना चाहते हैं भाई लोग तो वो भी देख लीजिए। तो सीट की कंडीशन की बात कर ले, बाहर से गाड़ी की बात कर ले, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया है, डिटेल क्या थी वो हर्ष भाई ने आपको दे दिया है। तो ये 2016 मॉडल होंडा अमेज डीजल 46,000 किलोमीटर चली हुई। आते हम लोग मुद्दे पे, फ्रेश पीस कार भैया और फ्रेश रेट, और जरूर बताया कि ईयर एंडिंग सेल कह लीजिए, ईयर बिगनिंग धमाका कह लीजिए, रेट मिलने वाला है एकमात्र 3,45,000 रुपए। और ये कहने की चीज नहीं कि कंपटीशन करेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन में रहते ही नहीं अपन लोग, कंपटीशन में रहते ही नहीं है, बस बढ़िया गाड़ी लेकर आते हैं। तो 3,45,000 की होंडा अमेज आपको दे रहे हैं। जिन भी भाइयों को चाहिए कि सेडान कार मिले, ओनरशिप बता दूं अंकित, फर्स्ट ओनरशिप पे ये गाड़ी है। अगर आपके पास 95,000 रुपए, 90,000 रुपए, 70,000 रुपए भी है तो ये गाड़ी आपको छोड़ देंगे फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। फाइनेंस फैसिलिटी के साथ में 70,000 से 90,000 रुपए के आसपास भी अगर आपके पास है तो होंडा अमेज 16 मॉडल लेकर जाइए, रेस्ट अमाउंट विल गेट फाइनेंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाई, राइवलिटी चलती है आपको ही पता है होंडा अमेज और डिजायर की। तो भैया न्यू सेफ डिजायर है, भैया न्यू सेफ डिजायर है, 2017 की रजिस्ट्रेशन है, गया जिले से रजिस्टर्ड ये गाड़ी है, डीजल वेरिएंट VDI। और अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो इस गाड़ी को ढूंढने में है भैया। बिल्कुल सही गाड़ी, मतलब अपन लोग बेच तो ले रहे हैं लेकिन ढूंढने में जो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है वो इस गाड़ी को आ रही है, नई वाली डिजायर, न्यू शेप डिजायर जिसको लोग कहते हैं। और सबसे ज्यादा अभी टाइम पे कस्टमर का डिमांड है कि भाई न्यू शेप डिजायर, क्योंकि अपने प्यारे कस्टमर को इस गाड़ी से डीजल में माइलेज मिल जा रहा है 23 और 24 का। भाई अगर आपको पर्सनल यूज है या फिर कमर्शियल यूज है, एक अच्छा माइलेज जा रहा है। और गाड़ी गया जिले से रजिस्टर्ड है। ठीक है, मैं बता दूं भैया ये गाड़ी, ऐसे तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ये गाड़ी पुलिस प्रोफाइल से बिलोंग करती है, चली हुई है, विथ सर्विस रिकॉर्ड 35,000 रिकॉर्ड हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। VDI वेरिएंट है, गया जिले से रजिस्टर्ड है। ठीक है, गया जिले से रजिस्टर्ड आप देख रहे हैं डिजायर VDI वेरिएंट, जो कि आपको आराम से 22 के ऊपर की माइलेज दे देगी। BR02 है भाई, आपने देख ही लिया है, साइड से आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की ये कार है। यहाँ पे अगर बात करें टायर की कंडीशन की वो आप चेक कर पा रहे होंगे, साथ ही साथ बात करें भाई अगर इसके इंटीरियर की तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भाई ये नई वाली डिजायर है, तो इसमें अगर आप स्टेयरिंग पे ध्यान देंगे ना, ये थोड़ी सी स्पोर्टी और मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छी दिखती है, पहले से बेहतर दिखती है। बीच में आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम का यूनिट, साथ ही साथ अगर सीट की कंडीशन की बात कर ले, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये ओरिजिनल कंपनी वाली सीट कवर आप देख पा रहे होंगे, और अच्छी आपको सपोर्ट मिलती है बैक पे, लेग पे, जब आप इस कार को बैठ के चलाते हैं या फिर ड्राइव का मजा लेते हैं। तो भैया 17 मॉडल डिजायर VDI 35,000 विद सर्विस रिकॉर्ड, विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई भैया, इस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड आपको हम प्रोवाइड करा के देंगे। ठीक है, और ये गाड़ी एक्चुअली बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा डिजायर को मतलब इस गाड़ी के साथ मॉडिफाई किया है और अच्छा मिल जा रहा है माइलेज, और अच्छा गाड़ी का मतलब आपको ओवरऑल पूरा फीचर्स मिल जा रहा है। सही बात है, तो न्यू से भी डिजायर भी मिल जा रही है, ऊपर से डीजल भी मिल जा रही है, तो कीमत भी बता दे वैसा एक
भैया जस्ट सिंगल रेट 5,78,000 पे करने होंगे अपने प्यारे कस्टमर को, ये गाड़ी हम छोड़ देंगे। आरटीओ एक्स्ट्रा है आपके पास, अगर 1.5-2 लाख रुपए भी है तो ये गाड़ी एच एन ऑटोमोबाइल्स आपको देगी। मतलब यू हैव टू जस्ट पे 1,75,000 और 2 लाख रुपीज एंड वी विल डिलीवर दिस कार। बहुत बढ़िया, तो 1,75,000 रुपए भी अगर आपके पास है तो न्यू सेफ डिजायर के आप बन सकते हैं मालिक। बाकी अमाउंट आपका फिनांस करा दिया जाएगा। 35,000 विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है, एक पुलिस प्रोफाइल की गाड़ी है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं भाई, टाटा की टियागो BR01। टाटा की टियागो, और इस गाड़ी का क्या फीचर्स है और अभी के टाइम में क्या रैंकिंग मिल रही है इस गाड़ी को, वो हमें ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के टाइम में अपन लोगों को पता है कि भाई टाटा मतलब एक अच्छे लेवल पे कार बना के दे रही है, और साथ साथ इस गाड़ी की जो पूरी मतलब मजबूती होती है ना वो मिल रही है जो अपन लोगों को चाहिए। सही बात है। तो भैया टाटा टियागो BR01 DF 17 या 18, 2017 मॉडल, अच्छा XE वेरिएंट है, लेकिन पूरी पूरी अपग्रेड करा दी गई है भैया आपको, मतलब इस गाड़ी में एग्जिट भी नहीं कह सकते लेकिन अपग्रेड जरूर करा दी गई है। एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स कैमरा, मतलब जो जो चाहिए। और ओवरऑल बता दो, ये गाड़ी डीजल वेरिएंट पे डीजल है, डीजल वेरिएंट डीजल में कहीं ना कहीं इसकी माइलेज 20 के ऊपर होती है भैया। अगर आप हमसे लिखवा के लेना चाहो तो जरूर बता दो, 25 से अबव का इसका माइलेज देने वाला है। क्या बात है भाई, तो छोटी कार में आपको माइलेज 25 से ऊपर की देगी डीजल वेरिएंट। आप टाटा की टियागो देख रहे हैं, कलर कैसा है कैसा नहीं हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पर्सनल लेवल पे भाई मुझे ये कलर हो गया इसका या फिर रेड वाली हो गई, अच्छी दिखती है, स्पोर्टी दिखती है। नंबर पटना का है अपना, फर्स्ट ओनरशिप पे कार है ये। कितना चला होगा ये भैया? ये गाड़ी चला हुआ है 33,000, मतलब आपको ओवरऑल गाड़ी पूरी मिल जा रही है मिंट कंडीशन में मिल जा रही है, क्योंकि 33,000 में भाई होना जाना कुछ है नहीं टाटा जैसे कंपनियों की गाड़ी के। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, माफी चाहूंगा थोड़ा सा लाइटिंग इशू हो जाता है भाई, शेड के नीचे में कार लगी हुई है, बीच में आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन, सीट की कंडीशन आप देख पा रहे होंगे। तो ये इसका इंटीरियर है, बाहर से हमने आपको दिखाई दिया है। आते हम लोग मुद्दे पे कि कितने रुपए में आप इस कार को घर लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वो वाले अमाउंट पे, जिनके पास लाख रुपए भी नहीं है तो क्या वो लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल भैया, अगर आपके पास 95,000 रुपए है, 90,000 रुपए है, कोई बात नहीं 85,000 रुपए है, आप पे कर देना, रेस्ट हम इसका फाइनेंस करा देंगे आपको। ठीक है, तो फिर व्हीकल प्राइस पे हम लोग, व्हीकल का प्राइस पे करना होगा, एक मात्र रेट 3,78,000 रुपए, 3,78,000, 3,78,000 रुपए पे करिए और इतनी प्यारी सी गाड़ी को अपने घर ले जाइए। बहुत बढ़िया, 3,78,000 नहीं है कोई बात नहीं है, आप पे कर दीजिए ना, 90,000 पे कर दीजिए, 85,000 पे कर दीजिए, ये गाड़ी हम आपको दे देंगे। बहुत बढ़िया, तो 90,000-85,000 भी अगर आप देते हैं तो आप 17 मॉडल टाटा। भैया जिन लोगों ने भी एच एन ऑटोमोबाइल से फाइनेंस पे गाड़ियां ली है उनसे आप पूछेंगे कि क्या हमारे इनसे कोऑपरेशन होता है, क्या हमारे इनसे सपोर्ट रहता है। सही बात है, वही वो पता करने की भी बात है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मारुति सुजुकी की वैगन आर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, और अभी बताया कि भाई मल्टी ब्रांड के साथ डील करेंगे तो सारी ब्रांड की गाड़ियां मिलेंगी। मारुति सुजुकी की वैगनर VXi ऑटोमेटिक वेरिएंट पे, ठीक है, पटना जिले से रजिस्टर्ड, 2016 के अक्टूबर की गाड़ी है भैया, ये 16 के अक्टूबर की ऑटोमेटिक VXi है ये। बिल्कुल, कितना चला हुआ आपने बताया? गाड़ी चला हुआ 42,000 किलोमीटर, 42,000 चली हुई 2016 अक्टूबर की आप देख रहे हैं वैगन आर, विच इज ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये डीजल, माफ कीजिएगा, ये भाई मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। नंबर अपना पटना का ही आ जा रहा है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और सारी एक्सेसरीज वगैरह हर एक चीज यहाँ पे लगी हुई है। इवन आप साइड पैनल पे देखेंगे, ये साइड वाला पोर्शन आपको ग्राफिक भी दिख रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं भाई अंदर से थोड़ी सी गाड़ी कैसी दिख रही है, क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, VXi इसमें टॉप मॉडल आती है, तो इसमें आप यहां देखेंगे चारों पावर विंडो मिल जाता है, बीच में जो गियर नॉब है भाई वो ऑटोमेटिक सेगमेंट की मिलती है। फिर से मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं, सीट कवर लगी हुई है, तो हर एक चीज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी जो डिटेल था वो हर्ष भाई ने आपको दे दिया है। मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि आप कितने रुपए में इसको खरीद सकते हैं, जिन भी भाइयों को वैगन आर चाहिए। 60,000 रुपए हैं आपके पास? अच्छा, 60,000 में भी देंगे? 60,000 रुपए हैं तो आप दे दीजिए, बाकी हम लोन करा देंगे और ये गाड़ी आप अपना बना लीजिए। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं भाई फिनांस का इतना अच्छा सुविधा आप लोगों के लिए आया है कि 60,000 रुपए में, जितने में भाई एक स्प्लेंडर भी ना है उतने में आप कार लेकर जा सकते हैं। वो भी मारुति की ब्रांड से 2016 मॉडल वैगन आर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक बिल्कुल ऑटोमेटिक है। कीमत बता दीजिए फिर? 2,99,000 रुपए, 2,99,000 रुपए। और मैंने पहले ही अपने कस्टमर को बताया है कि भाई कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एच एन ऑटोमोबाइल्स का रेट खुद में एक कॉम्पिटिटिव रेट होता है। बहुत बढ़िया, तो 2,99,000 की 16 मॉडल वैगन आर हमें ढूंढ के जरूर से दिखाइएगा, क्योंकि भाई मैंने लगा भैया ऑन पेपर लिख के देंगे कि नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी मिलने वाली है। मतलब गाड़ी आप कहीं से चेक कर लीजिए, सर्टिफाई करा लीजिए, नॉन एक्सीडेंटल की हम गारंटी देने वाले हैं। नॉन एक्सीडेंटल की आपको गारंटी मिल जाती है, तो आपने देख लिया ऑटोमेटिक वैगन आर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टाटा की, ऐसे थोड़े कम है और भाई अब ये
फेस्टिवल सीजन है और साथ साथ शादी वाली इन्वॉल्वमेंट है और पैसे थोड़े कम है, लेकिन अगर लगन में गाड़ी चल जाए तो पैसा कमा लेते। सही बात है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास लाख रुपए की बजट है तो सेडान कार आपको एच एन ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड कराएगी। बहुत बढ़िया। और वो भी मतलब ऐसा वैसा कंडीशन है कि भाई आपको ले जाके पैसे लगाने, मतलब गाड़ी मिल जाने वाली पूरी दुरुस्त कंडीशन में, मतलब गाड़ी होगी बची हुई गाड़ी में। तो भैया गाड़ी पटना नंबर हमें दिख रही है, टाटा की ब्रांड से इंडिगो है, टाटा की इंडिगो चली हुई गाड़ी 70,000 किलोमीटर, ठीक है, पटना जिले से रजिस्टर्ड। और बता दूं ओनरशिप सेकंड ओनरशिप पे ये गाड़ी है। अच्छा। 70,000 चली हुई है इंडिगो, ये एलेक्स है, इसमें भी आपको, अब भाई सबसे बड़ी चीज दिमाग में खटकती है कि ठीक है अगर कम पैसे हैं तो हो सकता है एसी ना हो, हीटर ना हो, पावर स्टीयरिंग ना हो, पावर विंडो ना हो, पावर ब्रेक ना हो। मैं बता दूं जितनी भी चीज मैंने बताया ना सारा चीज गाड़ी में है। बहुत बढ़िया। तो जो कुछ भी भैया बता रहे ना आपको, जो कि पावर विंडो हो गया, पावर ब्रेक हो गया, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, सारे कुछ आपको मिलेगी। और रेट में आपको मिलेगा ऐसा ना कि भाई दूसरी पीस आपको मिलेगा नहीं, आप देख सकते हो ऊपर से 7179 गाड़ी का नंबर है। कीमत पे हम लोग आते हैं, किन्हीं को अगर सेडान कार लेना है कितना लीस्ट अमाउंट हो सकता है जो वो पे कर सकते हैं एक कार को खरीदने। भैया बताया ना प्रायोरिटी होती है कि अपने प्यारे कस्टमर अपने एंड से मतलब स्माइली फेस लेकर जाएं तो जरूर बताएंगे आपके लिए गाड़ी मात्र 1,18,000 रुपए में। 1,18,000 रुपए की एक सेडान कार टाटा की ब्रांड से, टाटा 2010 मॉडल एलेक्स वेरिएंट, मतलब इंडिगो की टॉप मॉडल आती है एलेक्स, जिसमें आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग सारा कुछ मिल जाने वाला है विथ एसी, हीटर एंड ऑल वर्किंग। बहुत बढ़िया। तो वो सब कुछ के साथ में मिलेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं ना भाई तो इस रेट में शायद से आपको वैगन आर भी ना मिले। भैया ऑल्टो नहीं मिल रही है, वैगन आर तो थोड़ा सा ऊपर भी ऊपर, ऑल्टो नहीं मिल पा रहा है, ऑल्टो इस रेट में नहीं मिलेगा भाई। तो 10 मॉडल अगर आपको एक सेडान कार चाहिए आप खरीद सकते हैं 1,18,000 रुपए की। नाम याद रखिएगा एचएन ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं ऐसी गाड़ी पे ना जिसके लिए महिंद्रा की ब्रांडिंग के साथ, महिंद्रा की न्यू स्पोर्ट, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन एनेट वेरिएंट, एनेट है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। आपको मैं बता दूं ये भाई एलईडी डीआरएल के साथ में आती है। तो ये गाड़ी आपके सामने है जो कि एक 7-सीटर कार है। 7-सीटर कार है, इसमें फीचर्स गिनवा दूं अंकित भैया, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एलॉय व्हील्स, अच्छा, एयर बैग आपके सेफ्टी के ख्याल से, ठीक है, गाड़ी में पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, ये सब तो रहना ही है, स्टीयरिंग माउंटेड, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, मतलब फीचर्स जो आप सोच रहे हैं अभी के टाइम में नई गाड़ियों में वो आपको इस गाड़ी में मिल जा रहा है। और ये न्यू स्पोर्ट का सबसे टॉप मॉडल N8 है, J01 रांची जिले से रजिस्टर्ड, ठीक है, रांची शहर से अपनी रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रांची से रजिस्टर्ड है। और अब अगर मन में थोड़ा भी आया कि भाई ट्रांसफर कैसे होगी, कोई बात नहीं, ट्रांसफर हम करा के देंगे और ट्रांसफर चार्ज भी इसमें लगने वाला है मात्र 5,000 रुपए ट्रांसफर चार्ज आपसे एक्स्ट्रा लेंगे और गाड़ी आपको ट्रांसफर करा कर देंगे। गाड़ी आप जो देख रहे हैं ये है महिंद्रा की न्यू स्पोर्ट जो कि एक 7-सीटर कार है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल, N8 वेरिएंट आप देख रहे हैं। कौन से साल की है ये और कितना चला है? 2016 के मई की ये गाड़ी है। अच्छा। चली हुई है गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 56,000 किलोमीटर, 56,000 चली हुई 2016 मॉडल आप देख रहे हैं महिंद्रा की न्यू स्पोर्ट। साइड से आप एक चीज़ देख सकते हैं और मैं आपको बता दूं, आपको यकीन हो ना हो ये गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गाड़ी ओरिजिनल। भैया A to Z पीस, सिर्फ इस बम्पर को छोड़ के जितने भी मेटालिक पार्ट हैं वो सारे ओरिजिनल पेंट पे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे चेक करना, जैसे दिखाना आप चेक करा लो। और बता दूं अगर गाड़ियां अगर ओरिजिनल पेंट पे हैं तो फिर एक्सीडेंटल का जिक्र करना ये बेवकूफी है। सही बात है। तो गाड़ी भाई कैसी है कैसी नहीं अभी आपको इतना ही ब्रीफ से पता लग गया होगा। ये सारी जो आप देख रहे हैं स्टिकर ये कंपनी से लग के आती है जो कि आप देखेंगे ये पूरा पैनल पे कवर करता है पीछे तक और ये आज भी कंपनी वाली ही लगी हुई है। पीछे महिंद्रा की ब्रांडिंग, नीचे में आपको न्यूअर स्पोर्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, साथ ही साथ N8 वेरिएंट है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अंदर से ये गाड़ी कैसी है कैसी नहीं, तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको मिलता है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। बीच में आपको मिल जाता है टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। यहाँ अगर डोर पैनल की अगर बात करें भाई तो आपको चारों पावर विंडो वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो अंदर से आपने गाड़ी को देख लिया है, बाहर से देख लिया है, अब बात करते हैं कि 7-सीटर आखिर में मिलेगी कितने की 16 मॉडल। अब इस चीज़ का जरूर ख्याल आएगा कि भाई नए गाड़ियों में तो भाई क्रूज कंट्रोल आते हैं, ये 16 मॉडल गाड़ी में है क्या? मैं बता दूं इस गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो कि स्कॉर्पियो S10S11 में आती है, इस गाड़ी में भी आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाने वाला है। तो अब इससे ज्यादा कुछ ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। 2016 मॉडल गाड़ी है, सेकंड ओनरशिप पे है, ठीक है, रांची जिले से रजिस्टर्ड है और आपको इसके लिए पे करने होंगे मात्र और मात्र 4 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 2,95,000 रुपए। बहुत बढ़िया। और मैंने खुद से अभी के टाइम पे भाई हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक किया था,
16 की न्यू स्पोर्ट लोग मजे से 4.5-5 लाख रुपए बेच रहे हैं, लेकिन एच एन ऑटोमाइज आपके लिए मात्र 2,95,000 रुपए में, 2,95,000 रुपए की आपको मिल जाएगी। और भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि जो 4.5-5 लाख में बेच रहे हैं शायद से उनका रेट गलत हो या फिर कुछ भी, क्योंकि महंगी आती थी ये कार, 7-सीटर कार है, लेकिन आपको यहाँ पे 14 लाख रुपए की नई की गाड़ी है। बिल्कुल नई की प्राइस ऑलमोस्ट 13-14 लाख रुपए की है, तो आप देख सकते हैं रेट कंपेयर कर सकते हैं। जिन भाइयों को भाड़े में चलाने के लिए लेना है ना, आंख बंद करके लेके जाइए भाई, 7-सीटर कार आपको कहां ही मिलेगी आपको इस रेट में। तो आपको सब कुछ बता दिया गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एक और वैगन आ रहा है अपने पास जो कि पटना नंबर है, वापस पटना नंबर गाड़ी, फर्स्ट ओनरशिप पे गाड़ी थोड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि पांचों टायर न्यू कंडीशन में, मतलब स्टेपनी भी नहीं, स्टेपनी तो नहीं है भैया, लेकिन पांचों टायर, चारों बाकी जो टायर है गाड़ी में डली हुई वो भी नहीं दिख रही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि गाड़ी चली हुई मात्र 9,600 किलोमीटर है, जस्ट कह सकते हैं गाड़ी कस्टमर लेके खड़ा पार्क किया है, सही बात, चलाया नहीं है। 2012 की रजिस्ट्रेशन, पटना जिले से रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनरशिप पे, अच्छा, और VXI वेरिएंट मिल जा रही है वैगनआर की, VXI वेरिएंट है और गाड़ी 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली हुई, तो 9600 चली हुई वैगनआर आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। कुछ गाड़ियां ऐसी आ जाती है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो हम लोग बोल रहे हैं, आप मान लीजिए आप जाइए वेरीफाई कर लीजिए नंबर, मैं आपको इसीलिए दिखा भी देता हूँ भाई। तो 9600 चली हुई आप वैगनआर देख रहे हैं, और जब आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो इवन यू कैन रियलाइज और कह सकते हैं यू कैन रिलेट कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है कितनी नहीं। आप खुद देख लीजिए भाई गाड़ी कैसे कंडीशन में है, गियर नॉब की बात कर ले, डैशबोर्ड की एरिया की बात कर ले, वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। स्टिल अगर आपको वेरीफाई करना आप जाके कर सकते हैं, डेट विल बी योर कॉल। हम लोग आते हैं भाई मेन मुद्दे पे कि भैया वैगन आर किन्हीं को 10,000 से भी कम चली हुई खरीदनी है, कितने रुपए देने होंगे मिनिमम अमाउंट, एक बताएं हमें न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए। एक रेट देंगे और ज़रूर बताएंगे, मतलब अगर आप नेगोशिएशन के लिए कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 1,99,000 रुपए, 1,99,000 रुपए की। और आपको जैसे वेरीफाई करनी हो गाड़ी को, जिस एंगल से, जिस से चेकअप कराना आप करा सकते हैं, आपको आपके पास पूरी फ्रीडम है। हाँ जी, ये चीज की आपको फ्रीडम होती है, आप अपने मेहनत से कमाए पैसे लगा रहे हो तो आपके पास आजादी है, गाड़ी को सर्टिफाई करके ले लीजिए। बिल्कुल, आप अपने से वेरीफाई कर सकते हैं भाई, इसी वजह से मुझे मजा आता है कि आप जहां भी मैं वीडियो बनाता हूं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप गाड़ी वेरीफाई ना करें, आप गाड़ी अच्छे से वेरीफाई कर ले, पसंद आए तभी गाड़ी को खरीदे। तो 9600 चली हुई गाड़ी मात्र और मात्र 9600 चली हुई, 1,99,000 रुपए, 1,99,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं हम लोग भैया? नेक्स्ट, अब लास्ट वीडियो में एक बहुत बड़ी वो रह गई थी कि भाई हुंडई की आइटन और यौन को आप भूल गए हो, लेकिन नहीं, माफी चाहूंगा, इस वीडियो में आपके लिए ट्रिपल ईऑन एक साथ दिखाने वाले हैं, ट्रिपल ईऑन एक साथ दिखाने वाले और तीनों गाड़ियां खुद में थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। और इसको कहते हैं ना कि ईऑन में भी वेरिएंट लाओ, तो मतलब आपके पास तीनों वेरिएंट का ईऑन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब बेस टू टॉप। और ईऑन में भी आज आपको दिखाएंगे भैया यूनिक चीज, और वो है सनरूफ। ईऑन में सनरूफ दिखाने वाले हैं, 2015 मॉडल गाड़ी में भी सनरूफ। यार सच में ये देखो आप, ये थोड़ा ये एक्स्ट्रा फिटिंग जरूर है, लेकिन ये आपको ईऑन में ही मिल रही है, हुंडई की ईऑन। भाई हुंडई की ईऑन में जो पटना में लगी हुई है एच एन ऑटोमोबाइल में, इसमें आपको सनरूफ मिल रही है, ये देखो आप। तो भाई सनरूफ वाले ईऑन भी हम लोग आज दिखा रहे हैं, बहुत ही अलग वीडियो बन गया। आप ये तो बताइए क्या डिटेल है, थोड़ा यूनिक वीडियो होने वाला अंकित भैया, और यूनिक रेट देने वाले हैं। मतलब अगर लोग सनरूफ देख लेते हैं ना, तो मैं अभी रियलिटी बता रहा हूँ, लोग 10 मॉडल गाड़ी का भी रेट 3 लाख रुपए कर दे रहे हैं। सही बात है, 2000 सनरूफ लगी हुई है इसमें, सनरूफ लगी हुई है इसमें, और ये एच एन ऑटोमोबाइल्स के काउंटर पे है, तो एक चीज जरूर है कि कॉम्पिटिटिव रेट जरूर होता है, लेकिन हम खुद को कॉम्पिटिशन में नहीं मानते हैं। ठीक है, बताएं फिर। 2015 मॉडल गाड़ी, हाजीपुर से रजिस्टर्ड गाड़ी चली हुई है, अप्रोक्सीमेटली 33,000 किलोमीटर, अच्छा, हुंडई ईऑन एरा प्लस विथ सनरूफ, और कस्टमर ने बहुत शौक से इस गाड़ी को रखा नहीं है, पाल के रखा है, मतलब लोगों को इंसान से लगा होता तो उसको पालते है ना, इसको इनको गाड़ी से लगा होती तो गाड़ी को ही पाल के रखा उन्होंने। बहुत बढ़िया, तो भाई गाड़ी को बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा हुआ है। गाड़ी की डिटेल ये है भाई की गाड़ी है 2015 मॉडल हुंडई की ईऑन, सिंगल पीस है, पूरे भारत में आप जाकर ढूंढ लीजिएगा भाई, सनरूफ वाली ईऑन आप देख रहे हैं कहाँ पे एच एन ऑटोमोबाइल में। इंटीरियर में आपको दिखाना चाहूंगा भाई, तो इंटीरियर आप एक बार देख लीजिए। तो सही बात है, जो शौक से रखते हैं ना गाड़ी को, वो गाड़ी को कुछ इस प्रकार से रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर में आपको ये सनरूफ मिल जाती है, तो सनरूफ वाली ईऑन आपको हम लोग दिखा रहे हैं, जो कि 15 मॉडल है, 33,000 चली हुई ईऑन, पेट्रोल ही आती है तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हर्ष भाई अगर हम लोग प्राइस की बात करें, तीन तीन क्योंकि दिखाने वाले, सिंगल रेट दूंगा अंकित भैया, कोई कंपटीशन मत करना, जरूर बता रहे हैं। 15 की गाड़ी आपको पे कर रहे होंगे मात्र 2,55,000 रुपए, थोड़ा सा 10,000 का डिफरेंस जरूर है हमारे पुराने रेट से, लेकिन गाड़ी आपको मिल रही है भैया विद सनरूफ।
विद सनरूफ मिल रही है 2,55,000 रुपए की, आप खरीद सकते हैं। एक ईयोन नहीं है भाई, तीन तीन ईयोन है, तो दूसरे पे हम लोग आते हैं। पटना नंबर 2014 मॉडल, 38,000 किलोमीटर चली हुई हुंडई ईयोन एरा, टॉप मॉडल है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मतलब जो चाहिए ईयोन में वो मिल जाते हैं। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो, मतलब एक सारे चीज में मिल जाने वाले हैं। पटना डीलर से रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सेकंड ओनरशिप पे ये गाड़ी है, सेकंड ओनरशिप पे है। और गाड़ी का नंबर एक बार आप देख लें, 7744 गाड़ी का नंबर है, तो एक क्लासी नंबर है, एक चूजन नंबर आपको देखने को मिलता है। ये भी सिल्वर कलर की है, वो 15 मॉडल थी, ये 14 मॉडल है। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका इंटीरियर है, जहाँ पे कि आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सीट वगैरह भी कंडीशन वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इंटीरियर हमने दिखा दिया है, बाहर से भी आप देख सकते हैं, ये इसका साइड प्रोफाइल है। तो अब हम लोग आते हैं, 15 मॉडल था 2,55,000 रुपये की भाई, ऊपर से सनरूफ थी तो वो एक और एडिशनल होता है। हम लोगों के पास भैया ये 14 मॉडल है, पटना नंबर है, बिल्कुल भैया कीमत बताए थे थोड़ा, 2.5 लाख रुपए तो ज़रूर नहीं लेंगे, अच्छा एक कीमत लेंगे 2,10,000 रुपए, ठीक है। और ये गाड़ी आप अपना बना सकते हैं, आप अपना बना सकते हैं इस कार को। उसके बाद तो 2,10,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आप खरीद सकते हैं 14 मॉडल इस गाड़ी में। एक चीज़ और थोड़ा चेंज करना चाहेंगे, अगर आपके पास 70,000 रुपए भी है तो ये गाड़ी हम आपको फाइनेंस करा के देंगे। अच्छा फाइनेंस करा दो, भूल मत जाना कि फाइनेंस करा रही है, और अच्छे तरीके से करा रही है, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़का खुद से कुछ हैंडल करेगा, बस आपको आधार कार्ड देना है, अगर सिविल बढ़िया है तो सारा कुछ हम करा के। बिल्कुल आपका भाई पेपर अगर स्ट्रांग है, अगर आपका सिविल स्ट्रांग है, तो 70,000 रुपए में सनरूफ वाली कार आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। एक और अपने पास है ऑप्शन, वो है ग्रे कलर की ईयोन। भैया लास्ट कार है आज की, तो जरूर बताएंगे, धूम मचाने वाले रेट में देने वाले हैं, ठीक है। 2012 मॉडल हुंडई की ईयोन मैग्ना, अच्छा भैया गाड़ी फर्स्ट ओनरशिप पे और चली हुई है मात्र 42,000 किलोमीटर, मात्र 42,000 चली हुई फर्स्ट ओनरशिप पे है गाड़ी। आप आना टेस्ट ड्राइव लेना, दो किलोमीटर नहीं, 10-15-20-25 जितना चला के ट्रायल करना, ठीक है। एक सिंगल आवाज नहीं मिलने वाला, 12 मॉडल गाड़ी है, मतलब लिख के दे रहा हूँ, एक सिंगल आपको आवाज नहीं मिलने वाला इस गाड़ी, एक सिंगल आवाज भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब गाड़ी एकदम ही वेल मेंटेन है। साथ ही साथ आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं, ये इसका इंटीरियर है, डैशबोर्ड अगर आपने देख लिया तो अब थोड़ा सा पीछे वाली सीट और आगे वाली सीट भी आप देख सकते हैं। और पीछे से भी मैं आपको ये गाड़ी वेरीफाई करा देता हूँ, आप पीछे से देख पा रहे होंगे। तो हमने आज तीन तीन ईयोन आपको दिखाया भैया, ये सबसे हम कह सकते हैं ये 15 थी, ये 14, ये 12 है, बिल्कुल भैया। कीमत क्या रहेगा, सब गाड़ियों पे नॉन एक्सीडेंटल की आपको लिख के गारंटी देने वाले हैं, पेपर में भी किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप गाड़ी खरीदिए, पेपर का एश्योरेंस आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। और अगर लिटरली कहीं भी 2-4 दिन का डिले हुआ होगा तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ इशू होंगे, बाकी कोई पेपर का इशू नहीं आने वाला है आपको। और रेट मिल जाने वाला है भाई, बता दीजिए फिर, 1,75,000 रुपए, 1,75,000 रुपए। दूसरे पीस ढूंढ लीजिएगा 12 मॉडल ईयोन, और इस कंडीशन में जरूर ढूंढ लीजिए, सही बात है, कंडीशन में जरूर से मिलाइएगा भाई। तो ये थी हमारी आज की आखिरी गाड़ी, आपको होगा थोड़ा सा फिक्र कि भैया किस तरह से पहुंच सकते हैं। एक तो आप पीछे में हरिनगर मॉल का बोर्ड देख रहे होंगे, लेकिन एड्रेस एक बार वापस से समझा दीजिए, एम्स वाला जो HN ऑटोमोबाइल है, किस तरह से आ सकते हैं आप भैया? ये शोरूम अपना एम्स हॉस्पिटल के पास फुलवारी शरीफ में है अपना ये शोरूम। ये शोरूम आपको एम्स गोलंबर से 100 मीटर बाई वॉकिंग, अगर मेन रोड मेन NH पे बढ़ेंगे, NH 139 पे 100 मीटर, तो आपको सामने दिखेगा हरिनगर अपना HN ऑटोमोबाइल्स। तो भाई सबसे पहले इंसान को पॉइंट आउट होता है, बगल में शिवम हुंडई की सर्विस सेंटर है, बिल्कुल बाजू में आपको शिवम हुंडई का सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हरिनगर मॉल भी आपको सामने में ही देखने को मिलेगा। एम्स गोलंबर बहुत ही प्राइम है, एम्स हॉस्पिटल ही काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, वहाँ से आप आकर अगर ना समझ में आए कॉल कर लीजिएगा ऑफिस आवर में, इनके बंदे जाकर आपको रिसीव कर लेंगे। तो हर्ष भाई थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे प्यारे कस्टमर्स को। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं यही चाहूँगा कि भाई ये जो नया साल आने वाला है वो आप लोगों के घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आप ऐसे ही हमेशा ही ऊपर वाले की कृपा हो और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, अपने लाइफ में हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको नंबर दिया होगा स्क्रीन पर, आप कॉल करके बात कर लीजिएगा जिन भी भाइयों को इनमें से कोई सी भी कार लेनी होगी, या फिर और भी इनके स्टॉक में इतनी ही कार और भी होती है, इससे भी ज़्यादा होती है, आप इनको कॉल करके बात कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।